नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल कीज टू सक्सेस में। बहुत दिनों के बाद किसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो बुक देख लेते हैं। एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से 3 मार्कर की बुक आपको पता है, कबीर पब्लिकेशन की बहुत पहले आई थी। और ये बुक कैसी है इसके बारे में पता कर लेंगे, और इस बुक की इतनी डिमांड क्यों है, आखिरकार इतनी क्यों बिक रही है बुक, और इसके बारे में पता करेंगे। अंदर कंटेंट कैसा है इसको भी देखेंगे, और क्या इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है या फिर सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से बनाते चले गए और छोड़ते चले गए। किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन इसमें मिलता है कि नहीं, फॉर्मेट कैसा है बताने का, क्या आप इसको इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है प्रेजेंटेशन जो है इसका, वो आप मेंस में फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस बुक को देखने के बाद आपको ये भी बता दिया जाएगा कि अगर आपने अभी तक हमारे जो पेड कोर्स है एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग का, उसमें ना सिर्फ आंसर राइटिंग बल्कि हम नोट्स भी आपके बनवा रहे होते हैं पूरे सिलेबस के, तो उसकी फ़ीस एकदम नॉमिनल है, 500 रुपीज़। इतने तो आपको, इतने अच्छे नोट्स कोई कोचिंग वाले भी नहीं बनवा पाएंगे आपसे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 10 सितंबर तक 500 रुपीज़ फ़ीस है उसकी, फिर उसके बाद 1500 हो जाएगी 10 सितंबर के बाद, और फिर जब 1 अक्टूबर के बाद जो भी जुड़ेगा उसकी 2500 रुपये फ़ीस हो जाएगी। तो क्योंकि समय हमको भी देना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोगों का फ़ीस बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग सिंसियर लोग हैं वो लोग पहले जुड़ जाएंगे, और कुछ लोग जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है, पहले जुड़ने वालों का भी स्वागत है। तो देख लेते हैं कि भाई इसका इंडेक्स देखते हैं सबसे पहले कि प्रथम प्रश्न पत्र में खंड 1 खंड 2 के हिसाब से बना के दिए, जो कि इन्होंने सिलेबस को फॉलो किया अच्छे से, ठीक है। तो पहले में 5 इकाई और दूसरे में 5 इकाई, ये भी ठीक है क्योंकि आपको पता है कि 5 5 इकाई मतलब टोटल 10 इकाई आपको देखने को मिल रही है हर एक पेपर में, ठीक है। तो उसके अलावा 110 पेजेस मिल रहे हैं आपको पेपर 1 के। पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें भी लगभग इतने ही आपको पेजेस दिखने को मिल रहे हैं, 100 के आसपास लगभग मान लीजिए। तो इसके भी मतलब इन्होंने बनाया सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो कि अच्छी बात है। इसमें आपको समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, उसके आपको 3 मार्कर दिखेंगे, क्योंकि चूंकि ये पूरा नया टॉपिक है तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से क्या 3 मार्कर बन सकते हैं, है ना। तो जब आपको ये नहीं पता हो कि भाई क्या 3 मार्कर बनेगा, तो फिर आपके सामने जो 3 मार्कर मिल जाए वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसी अप्रोच से हम लोग काम करते हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से उसको निकालते हैं, बनाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप लोग लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें हम आपको सुधार बताते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई इसमें आप ये लिख सकते थे, इसमें ये लिख सकते थे। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन और कंटेंट, इसके ऊपर काम करते हैं हम, ताकि आप लोग जो आंसर लिखे वो आपका अच्छा निकल के आए। टोटल आपके सिलेक्शन से हमें मतलब है, आपकी फ़ीस से हमें कोई मतलब नहीं, कोई आपसे लाखों रुपये या हज़ारों रुपये नहीं ले रहे हैं। अभी तो 500 रुपीज़ है, उसके बाद ज़रूर हज़ारों में हो जाएगी क्योंकि हमें समय देना पड़ेगा, है ना। तो समय के हिसाब से ही काम हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो 500 रुपीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तृतीय प्रश्न पत्र दिख रहा है, इसमें 10 इकाई है, इसमें भी ठीक है। चौथा प्रश्न पत्र, इसमें आपको 3 मार्कर आपने दिखा होगा, 31 के 3 मार्कर बहुत कम मिलते हैं कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो, ठीक है, या फिर जो बुक लेते हैं उसी में से आपको बनाने पड़ते हैं। तो 3 मार्कर की बिल्कुल अलग से तैयारी करना ही चाहिए। टॉपर्स के इंटरव्यू अगर आपने अभी तक देखे होंगे तो वो लोग ऑलरेडी कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी हम 3 मार्कर बना लेते हैं। तो सही अप्रोच यही होती है कि आप 3 मार्कर को अलग से बनाते हुए चले, बाकी के कंटेंट 5 मार्कर 11 मार्कर के हिसाब से बनाते चले। और इससे भी बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो हम बताते हैं कि आप पूरे सिलेबस है उसको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ही बदल दीजिए। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना बने जो आपने जो बनाया उसके बाहर कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है, इसी तरीके से हम बताते हैं। तो एक सटीक तरीका होता है, सटीक तरीका आप लोग जुड़ के जरूर देखें। 500 रुपीज़ आपके अगर दे देते हैं तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। जरूर एक बार एक्सपीरियंस लेकर के देखें और निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये हमारा मानना है, ठीक है। चतुर्थ प्रश्न पत्र हो गया, पंचम प्रश्न पत्र, इसमें भी हिंदी के आपको कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसमें लास्ट में आपको कुछ थोड़ा से प्रशासनिक शब्दावली हो गया, तत्सम तत्व, इस प्रकार की चीज़ें भी दी गई। जैसे एक एक पेज देख लीजिए, 17 पेज के अपन ने इसमें बताने की कोशिश की, 17 पेज का तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है बैतूल में, अगर यदि आप रहते हैं तो कोठी बाजार में और लिंक रोड में भगवान बुक डिपो है, वहाँ से ले लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से डिस्काउंट मिल जाता है इस बुक में और उनकी शॉप में मिल जाएगा, तो आप जा करके ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल भी रहती है। और बाकी फिर आप अदर प्लेटफॉर्म से, फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी उठा सकते हैं। इसका जो MRP बुक में लिखा हुआ है वो है 310 रुपये, ठीक है। कितना रुपये है? 310 रुपये, ठीक है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि भाई जैसे कि भारतीय इतिहास और पूरा सिलेबस दिख रहा है, भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। तो इसमें किसी एक को उठा लीजिए, देख लेते हैं। जैसे स्रोत सूत, इन्होंने पुराने प्रश्न पत्र को भी कवर किया, तो स्रोत सूत क्या है, 600 से 300 ईसा पूर्व में इसमें यज्ञ से संबंधित जानकारी, स्रोत सूत्र का भाग 16वां सूत्र है। तो कुछ जानकारी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जानकारी पूरी दे दी गई है,
कुछ जानकारी तो आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी तरीके से तो किसी भी बुक में आपको जानकारी नहीं मिलती, तब भी ठीक है। ऋग्वेदिक पंचकन ये फॉर्मेट ठीक है, इस तरीके से आप भी त्रिमार्का में ले सकते, कोई समस्या नहीं इसमें। मौर्य काल में तीर्थ क्या था, तो तीर्थ सबसे उच्च स्तर का अधिकारी था, उसकी संख्या कितनी थी ये बता सकते हैं। 18 प्रमुख तीर्थों के नाम बताना है, तो ये एक आइडियल उत्तर 3 में से 3 मार्क्स इसमें पूरे मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सब दिया गया है इसमें और सब कुछ जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ये हिस्ट्री क्या हो गया, ब्रिटिश इकाई 3, मतलब सारी इकाई तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। लगभग कितने पेज की आपको अभी बता देते हैं, 376 पेजेस की बुक है ये। तो आपको ठीक, जैसे बंगाल विभाजन ये देखिए इधर, इस प्रकार से भी आप फॉर्मेट बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं और आपको जगह अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी 3 लाइन में। इसको छोटा कर सकते हैं हेक्सागन को, तो आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से करें और इकाई 4 सभी मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा सिलेबस ही है इसमें कवर, मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूनिट का पकड़ा दिया कि भाई ये हिस्ट्री है, इसमें से हिस्ट्री कर लो, ये ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरा सिलेबस के 3 मार्कर इसमें डाल दिए गए। कुछ 3 मार्कर हो सकते हैं आपको अलग से बनाने पड़े, आप जब वैसे भी मेंस का पढ़ेंगे 1-2 बार रिविज़न करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर पढ़ने को। और उसका शॉर्ट में आपको अगर ये मान लीजिए कि रिवीजन करना है तो यहाँ से हो जाएगा। इसमें 5 मार्कर भी बहुत सारे कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे आपको, दिखेंगे कि भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज स्पष्ट कीजिए। ये जो 2 लाइन लिखी है इसको आप 5 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी दिख रहा है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके। तो मेरा ये बताने का मतलब, ओवरऑल ये बुक दिखा दूँ मैं अंदर अंदर से क्या कंटेंट मिलता है आपको, क्योंकि जब शॉप में जाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कि कंटेंट कैसा है। कोई रिव्यू कर दे तो पता चलता है आपको। तो बुक तो ओवरऑल बहुत अच्छी है, आपको ले लेना चाहिए अगर लेना चाहते हैं तो। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें 3 मार्कर दिए हो अलग से, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। पॉलिटिकल थिंकर ये हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, कल से नया टॉपिक चालू हो जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आज ही शाम तक पेमेंट कर दीजिएगा। डिटेल मेरा जो नंबर है 8823 वाला, उस पर आप ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा। ये नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, 338, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ग्रुप से जुड़ना है तो, ठीक। और ये आपको दिख रहा है पॉलिटिकल थिंकर, अपन स्टार्ट कर देंगे कल से। तो इसमें से जितने 3 मार्कर इसको कवर कर लेंगे, अलग से हमारे पास जो 1-2 बुक है उसमें से भी कवर कर लेंगे। तो हमारा मतलब ये है कि 2-3 बुक से जब कवर करेंगे कंटेंट, तो जो पेपर बनाने वाला है अगर इनमें से कहीं से उठा के लाता है तो निश्चित तौर पर पूरे बनेंगे। जब क्वेश्चन ही पूरे बनेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो जो आप रैंक की सोच रहे हैं वो भी हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो ये 3 मार्कर हो गया इसका, प्रशासन का भी मिल जाएगा, ये अर्थव्यवस्था, ये सब आप देख लीजिए। बुक ओवरऑल मुझे अच्छी लगी, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बैतूल का जानकारी आपको दे दिया कि बैतूल में कहाँ आपको मिलेगी, अपना कोठी बाजार और लिंक रोड दोनों जगह दुकान है, वहाँ से ले सकते हैं। MPPSC की तैयारी करने वाले जो बैतूल के हैं, और बैतूल के ही यदि छात्र कोई है जो MPPSC से जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा कंसेशन कर दिया जाएगा क्योंकि आप हमारे मित्र भाई बहन हैं, ठीक है। और बाकी तो ठीक ही है, वैसे कंसेशन का तो नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत नॉमिनल फीस रखी है। 500 रुपीज़ में भी आप अगर डिस्काउंट का बोलेंगे तो ये तो बहुत मतलब हास्यास्पद लगेगा, ठीक है। तो बाकी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस टाइप की जो भी वेबसाइट है उस पर आप जा करके, ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा करके ले सकते हैं। भोपाल इंदौर में तो अवेलेबल वैसे भी है, डिस्काउंट आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ मिल जाएगा। पर्टिकुलर अलग अलग शॉप में कहीं अलग चलता है, 10% कभी 15% 30% तो मैक्सिमम लगता है, बहुत कम लोग ही देते हैं, तो देख लीजिए कि आपके हिसाब से, ठीक है। तो इस बुक के बारे में मुझे पता चला था और ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो था, तो इसके बारे में जानकारी जाना जरूरी भी हो गया था, ठीक है। तो इसकी PDF अगर आप देखना चाहें, ये वाली PDF, तो ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें मैथ्स के भी दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ मैथ्स के भी आपको नज़र आते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ्स की तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, 30 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।